वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विनी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 8 का वर्कशीट है 2, दैट इज चैप्टर नंबर 4 to 7। डिफाइन द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, चले जानते हैं। कैलोरी वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कम्प्लीट बर्निंग और कम्प्लीट कम्बशन, है ना, उसका जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है, कंप्लीट बर्निंग हो जाती है ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल की, तो उसको हम कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। यानी आप क्या सिंपल वे में कह सकते हैं कि 1 kg फ्यूल जलने पे जितनी आपको एनर्जी देता है उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर रीजन। कुछ टाइप की स्पीसीज जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में ही पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन क्या होता है? द एग ऑल्सो एक्वायर्स मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स। एग्स में बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं अराउंड इट, उनके चारों तरफ। सम ओविपोरस एनिमल्स सच एज हैंस सिट्स ऑन द एग, वो एग पे बैठ जाती हैं टू कीप देम वार्म, ताकि उनको गर्म रखा जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, इसी को हम कहते हैं इंक्यूबेशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, क्या होता है? ग्लैंड दैट रिलीज इट्स प्रोडक्ट ऑन टू ए रीजन ऑफ थ्रू ए डक्ट, जो क्या करती हैं, एक रीजन में सेक्रेशन करते हैं डक्ट के थ्रू, तो उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है ना, तो कहाँ इनको क्या कराएंगे, तो ये फीमेल्स के लिए रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। डोली सिप जो होती है वो एक टाइप की क्लोन होती है, ठीक है। और गोइटर क्या थायरोक्सिन की वजह से होता है, यस। और मस्क डियर एक एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है। चलिए इस तरह से भी आप मैच करा सकते हैं इसको। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाई डज ए फायर क्रैकर एक्सप्लोड विद ए लाउड साउंड, जो फायर क्रैकर्स होते हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं एक धमाकेदार साउंड के साथ। फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड एज सून एज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ए बर्निंग स्प्लिंटर, जैसे ही वो किसी बर्निंग स्प्लिंटर के पास आते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट में आते तो वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। और वेन दे प्रेशर इज अप्लाइड ऑन देम, या उन पर जब प्रेशर लगाया जाता है। In this process, oxidation of chemicals in the firecrackers, in the crackers take place rapidly. तो उस समय उनके अंदर एक oxidation process हो रहा होता है, chemical reaction हो रही होती है। Large amount of gas is evolved along with the production of tremendous amount of heat. तो वो कह रहा है कि large amount में gas निकलती है, production of tremendous amount of heat होता है, light and sound भी निकलती है। Next, what are threatened species? क्या होती है threatened species? चलिए जानते हैं। When a species faces difficulty, जब एक स्पीसीज को डिफिकल्टी होती है इन सर्वाइविंग, सर्वाइव करने में इन इट्स हैबिटेट, अपने ही हैबिटेट में, इट्स नंबर डिक्लाइन, उनके नंबर गिर जाते हैं ड्रास्टिकली बहुत तेजी से, सच स्पीसीज आर कॉल्ड थ्रेटन्ड स्पीसीज। नेक्स्ट, वॉट इज स्पैनिंग, क्या होता है स्पैनिंग, चलिए जानते हैं। द फीमेल फ्रॉग और टॉड ले एग्स इन वाटर, जो फीमेल फ्रॉग होते हैं या टॉड होते हैं वो अपने एग वाटर में दे देते हैं ना, मतलब वाटर में छोड़ देते हैं एज इट इज, ना ओपन वाटर में। While the male simultaneously release sperm, और male क्या करते हैं उसी time period, being time period, वो क्या करते हैं release कर देते हैं sperm, है ना, water में fertilize them, ताकि egg fertilize हो सके। This process is called spanning. Next, what is menarche? Menarche क्या होता है, देखिए starting of menstruation cycle, menstruation cycle का start हो जाना first time is known as the menarche. Answer the following question, यहाँ पे आ चुकी है, चलिए देखते हैं क्या पहला question। तो this is the first one. एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन बताना है, ठीक है, और टू फॉरेस्ट फायर, ठीक है, जिसकी वजह से आग लगती है जंगलों में। चलिए जानते हैं। एक कम्बशन दैट स्टार्ट बाय इटसेल्फ, ऐसा कम्बशन जो अपने आप स्टार्ट हो जाता है विद नो एक्सटर्नल हीट, इसमें किसी भी बाहर से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज को एक्सप्लेन करना है ऑफ वाटर हाइसिंथ की। चलिए जानते हैं। द इन्वेसिव स्पीसीज, ह्यूमन बींग समटाइम्स इंट्रोड्यूस ए न्यू स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए हैबिटेट। कभी कभी क्या करता है ह्यूमन जो होता है, जो एनिमल होता है वो नई स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करता है पर्टिकुलर हैबिटेट में, विच इज आउटसाइड इट्स नेटिव जोन, जो कि वहाँ की जोन का नहीं था, उस हैबिटेट का था ही नहीं। सच स्पीसीज में बिकम इन्वेसिव, तो क्या करती हैं, जो वहाँ की मतलब लोकल कहें, ठीक है, वहाँ की जो स्पीसीज थी उनको इन्वेट करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं। रैपिडली एंड एनक्रोचिंग ऑन द रिसोर्स, उनके क्या करता है, उनके जो रिसोर्सेज है उनको यूज करता है, तो उनको है ना, जो वहाँ के लोकल है उनको कमी पड़ जाएगी प्लांट्स एंड एनिमल्स को। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज इज वाटर हाइसिंथ, इसमें क्या होता है, द प्लांट कवर्स लेक, तो प्लांट जो होते हैं ये जो दिख रहा है आपको पूरा, है ना, ये क्या करता है, कवर कर लेता है पानी को, लेक एंड पॉन्ड एंटायरली, पूरी तरह से ब्लॉकिंग सनलाइट, धूप नहीं जाती वहाँ पे, एंड डिप्लीटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर,
और वाटर में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम से देखते हैं द नेटिव स्पीसीज ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड फिश डाई। तो वहाँ की जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, चाहे एनिमल्स होते हैं फिश होते हैं जैसे कि, वो डाई कर जाते हैं वहाँ पे। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है भाई? ठीक है, एक्सप्लेन मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। तो चलिए जानते हैं, एवरी ऑर्गन अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डेवलपमेंट। वो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं उसमें चेंजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उनकी लाइफ टाइम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं है ना ऑर्गेनिज्म में। फ्रॉग्स एंड टॉड्स ऑल्सो गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। फ्रॉग और टॉड जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं ऑफ डेवलपमेंट से, आफ्टर दे हैच, जब वो हैच करते हैं उसके बाद। द टैडपोल इज द लार्वल स्टेज। जो टैडपोल होता है वो लार्वल स्टेज होती है एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, और ये एडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। इट हैज़ ए ब्रॉड टेल, इसकी एक है ना चौड़ी पूंछ होती है, एंड ए स्मॉल माउथ, और छोटा सा माउथ होता है। इट यूजेस गिल्स टू ब्रीथ, और ये गिल्स से सांस लेता है टिल इट्स डेवलपमेंट लंग, तब जब तक कि उसके लंग्स डेवलप नहीं हो जाते। वंस इट्स एक्वायर हिंड एंड फोर लेग, एक बार उसके बाद हिंड और फोर लेग आ चुके हैं तो इट कैन हॉप ऑन टू लैंड, अब वो लैंड पे हॉप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन एड्रेनलाइन हार्मोन। एड्रेनलाइन हार्मोन पे आपको एक नोट लिखना है। चलिए जानते हैं, एडेनलाइन ग्लैंड सेक्रेट एडेनलाइन हार्मोन। तो एडेनल ग्लैंड जो होती है वो एडेनलाइन हार्मोन सेक्रेट करती है, निकालती है, विच प्रिपेयर्स द बॉडी टू एक्ट इन पोटेंशियली स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रिपेयर कर पाती है अपने आप को एक स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशन में, एंड सो इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। दिस हार्मोन मेक्स अस एनस्केस, तो इससे हम एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। द चेंज ब्राउट अबाउट बाई एडेनलाइन हार्मोन आर क्विक, ये जो चेंजेस होते हैं एडेनलाइन ग्लैंड की वजह से, तो ये क्या होते हैं एडेनल ग्लैंड की वजह से है ना, तो ये क्या होते हैं वाइड स्प्रेड होते हैं, क्विक होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं, शॉर्ट लिव होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। दे इंक्लूड एन इंक्रीज इन हार्ट रेट, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल और ओवरऑल एनर्जी लेवल ऑफ द बॉडी भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर। ठीक है, आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है, तो देखते हैं क्या है। ए फायर ड्यू टू कुकिंग ऑयल इन ए फ्राइंग पैन कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाई कवरिंग द पैन विद ए प्लेट। तो प्लेट से कवर करेंगे कि हम क्या उसको, नहीं है, डैम्प क्लॉथ से करेंगे। नेक्स्ट, स्नो लियोपार्ड क्या होता है? एग्जाम्पल है किसका, एंडेंजर स्पीसीज का नहीं है, वो वल्नरेबल स्पीसीज का है। नेक्स्ट, वेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, जब वो फ्यूज होते हैं दे फॉर्म एन एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायो बनती है, जी नहीं, जायगोट बनता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ए मैच्योर एग बाई एन ओवरी इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, जी नहीं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आपने वर्कशीट 2 देखी, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपने देखा। क्या ये आपके हेल्पफुल है? हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने स्कूल का नाम बताना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे इसी तरह पढ़ाई लिखाई विद मी वृंद के साथ इसी चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं, बाय बाय।